कौस्तुभ, क्या हाल चाल? मैं अरे भाई कैसा है? ठीक हूँ, तो बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, गौरव शर्मा सबको पता है, बहुत फेमस है। सबको पता है कि रणजी ट्रॉफी रेलवेज और विदर्भ के लिए खेले खे अभी विदर्भ के लिए खेल रहे हैं। एंड अगेन इंडिया ए जो भी है, एक ग्रुप सब खेले, इंडिया ए खेले। इंडिया जो वनडेज के रहते वहां पे भी खेल चुके, इंडिया टेस्ट वनडे और जो तीनों फॉर्मेट है उसमें खेल चुके, और आईपीएल में सबको पता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था। तो वेलकम करण शर्मा, थैंक यू कौस्तुभ, थैंक यू। और हम दोनों अंडर 25, नेशनल क्रिकेट एकेडमी अंडर 25 में पहली बार मिले थे, वहां से हम हुए। और करण शर्मा, मुझे पूछना था कि आपका जर्नी, आपने कौन से एज में स्टार्ट किया और जर्नी कैसे रहा टिल रणजी ट्रॉफी? जर्नी वही था कि पहले मेरठ में स्टार्ट, जैसे सब लोग करते हैं, स्ट्रीट क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर अपना, जब पेरेंट्स को लगा कि नहीं टैलेंट है तो कुछ है, तो उसके बाद हम लोग, मैंने फिर स्टेडियम ज्वाइन किया मेरठ में। तो फिर वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट खेले, और फिर 2002 में मैंने कानपुर हॉस्टल में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर वहाँ से अच्छा मैंने अंडर फिर 2000 में मैंने अंडर 14 खेला यूपी के लिए। फिर उसके बाद मैं 2002 में कानपुर गया हॉस्टल। फिर 2004 और 5 सीजन में मेरा जॉब लगा रेलवेज में, रेलवे, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियन वगैरह भी जॉब्स थी पहले के टाइम में। तो तो उस जॉब टाइम बहुत पे जल्दी हो जो गया, मतलब 18 साल में ही आपको जॉब लग गई। 18 साल में मेरे को जॉब लग गया, क्योंकि उस टाइम से यूपी से मैं खेल नहीं रहा था और मेरे को अपॉर्चुनिटी आई। तो मेरे को यही था कि हाँ दो दो जगह से अपॉर्चुनिटी है, रेलवे से भी मैं खेल सकता हूँ और यहाँ से भी मैं खेल सकता हूँ, तो यूपी उस यूपी से भी खेल सकता हूँ। तो फिर मैंने जॉब लेना ज़्यादा प्रेफरेंस था मेरा, जॉब लिया मैंने। और 2000 फर्स्ट ईयर वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उसके बाद 2006 से मैंने कंटिन्यूस, फिर मैं रेलवेज के लिए कंटिन्यूस खेला, लीड किया 23-19 रणजी ट्रॉफी, 25 सब कुछ लीड भी किया, अच्छा भी किया रेलवेज के लिए, और वहीं से सब कुछ चेंज हुआ सारा कुछ। राइट। मतलब आप डेब्यू किया ऑलमोस्ट कुछ तो 20 साल के थे, 2007 के अंदर, 2007 में मैंने डेब्यू किया राइट। अगेंस्ट और वो महाराष्ट्र। मैच में आपने 100 भी मारा, तो अब वो मैच मैंने वो क्या 100 फीलिंग था? मतलब आप नॉर्मली अभी बैट्समैन ऑलराउंडर थे, बॉलिंग ऑलराउंडर? नहीं, मैं जब एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहा था तो मैं बेसिकली बॉलर हु कैन बैट था, पर उस टाइम पे मुरली कार्तिक और कुलमणि परिदा होते थे बॉलर स्पिनर, स्पेशली रणजी ट्रॉफी में। तो उस मैच राइट। से पहले हम लोग यूपी के अगेंस्ट मेरठ में मैच खेल रहे 23 का, तो हाँ उस मैच में मैंने 100 बनाया था और 6 और 3 टोटल 8 9 9 10 विकेट लिए थे। तो उस मैच के बाद ही रणजी ट्रॉफी का पहला मैच स्टार्ट हो रहा था, उस मैच के बाद मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ उसी मैच के बाद। ओके। और फीलिंग कैसा था, मतलब पहली बार आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो तो फीलिंग कैसा था आपका? रणजी ट्रॉफी का ऑब्वियसली डेब्यू करना बड़ी चीज था रेलवे जैसी टीम के लिए, क्योंकि उस टाइम सारे स्टार्स थे। जब मैंने डेब्यू किया तो पूरा पैक साइड थी रेलवे की, और उस टीम में डेब्यू करना, और मुझे पता था कि बैटिंग नीचे खेलने वाले हैं क्योंकि ऊपर सब लोग पैक था ऊपर, तो यही था कि नंबर 6 7 नंबर बैटिंग मिलेगी और बॉलिंग का पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो उसका यूज करना था। तो उसमें भी हम लोग 4 5 जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद मैंने नीचे जाके 100 बनाया, तो मैं अलग ही फीलिंग था उसका। ओके। और एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आप संजय बांगर, मुरली मुरली कार्तिक, जेपी यादव जैसे बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेले, तो एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? 23 क्रिकेट तक तो ठीक था, पर उसके बाद प्रेशर था थोड़ा, जब उनका नाम, जब उनको टीवी पे देखा, उनके साथ पहली बार खेला, तो थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग था, थोड़ा प्रेशर भी था। पर जब परफॉर्मेंस हुई, 100 बनाया, तो उसके बाद प्रेशर नॉर्मल हो गया, ईज आउट हो गया, तो उसी को फिर मैंने कंटिन्यू किया। ओके। फिर वो लोग बात कैसे करते हैं, मतलब संजय वांगर तो मुझे मालूम है एकदम शांत आदमी, और आपको बैक कैसे करें? मुरली कार्तिक तो स्पिनर है, तो उन्होंने आपको बैक कैसे किया था जी? और कुछ टिप्स दिए आपको? हाँ, उस टाइम पे जब मैं डेब्यू किया तो उस टाइम मुरली कार्तिक नहीं थे टीम में, स्टार्टिंग में वो इंडिया के लिए खेल रहे थे, उस टाइम बिजी थे वो। तो मेरे को संजय बांगर और अभय शर्मा और हैरू हरिंदर सिंह, ये लोग उस टाइम पे थे टीम में, तो उन लोगों ने बड़ा बैक किया उस टाइम पे। और जब कैटी भाई हम लोग जब प्लेट का सेमीफाइनल खेल रहे थे तब वो टीम में आए, तो उस टाइम के बाद से उन्होंने बॉलिंग का काफी कुछ बताया, पर उस टाइम इतना बॉलिंग मिलता नहीं था, तो उस पर बस पूछा उनसे कि कैसे कैसे कर सकता हूँ। तो वो मैंने जब नेक्स्ट ईयर से सब कुछ हुआ चेंज, तब मैंने स्टार्ट किया।
इम्प्लीमेंट। और जो सर अंडर 25 मतलब जो नॉर्मली अंडर 25 का टूर्नामेंट होता नहीं था वो 21 साल शायद हुआ है अंडर 25, तो वो साल आपने कितने 49 विकेट निकाले। वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, मतलब सीजन था वो मेरे लिए, क्योंकि उस साल उससे पहले मैं टीम से इन एंड आउट था। उस साल 2012 की बात है, मैं आउट ऑफ द स्क्वाड था। मैं तो मेरे को बोला कि आप 25 जाके खेलो, और वो उसी साल के लिए 25 हुआ था बस। तो उस साल तो उसी साल के लिए, तो उस साल मैंने विकेट्स भी लिए, रन भी बनाए, तो मतलब 49 बेस्ट प्लेयर ऑफ अंडर 25 था मैं बीसीसीआई का। वो ट्रॉफी भी आपको मिला, बेस्ट ऑलराउंडर मिला। उसी सीजन की वजह से सारा पूरा सब कुछ चेंज हुआ। उसी सीजन के बाद मैं रणजी ट्रॉफी में भी वापस कमबैक किया लास्ट 3 गेम्स में। फिर राजस्थान के अगेंस्ट 8 विकेट हॉल था मेरा कमबैक मैच में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीजन था वो मतलब। और वहां से आप नेशनल रैंकिंग में भी सिलेक्ट हो गए थे जब हम खेले थे। हाँ, जब 23 उसको इंडिया था, वो 25 तो इंडिया नहीं हो पाया, 23 इंडिया हुआ था उस टाइम। हाँ, वो 23 इंडिया। सबको बताना चाहूँ कि करण शर्मा और हम अंडर 25 खेलने मिले थे, और वहां से सिलेक्शन होने वाला था इंडिया अंडर 23 का। तो तभी करण शर्मा ओवर एज हो गए थे, जो तभी 24 या 25 साल के थे, और तभी मैं इंडिया खेला था। अभी ऑल द जो अभी अभी के करंट में इंडिया खेल रहे केएल राहुल और बुमराह, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स सूर्य था उसमें, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स था सूर्य कैप्टन था, राइट। और वो टाइम में हम पहली बार मिले थे करण शर्मा को, मैं पहली बार बैटिंग जब कर रहा था, आप तभी टॉप फॉर्म में थे, मतलब आप खेल के आए थे, और मुझे डिफिकल्ट रेड बॉल मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं रेड बॉल में कंटिन्यू रन भी कर रहा था, आदत भी होगी। पर जब आप वाइट बॉल खेल रहे थे, मुझे आपका गुगली समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा बॉल लेग स्पिन डाल रहा है, कौन सा बॉल गुगली डाला, क्योंकि मुझे क्योंकि मुंबई में कैसे T20 भी हम खेलते हैं ना, तो मोस्टली रेड बॉल से खेलते हैं। आपके साथ भी लेके दिव्या पाटिल का टूर्नामेंट होता है, वहां पे मोस्टली वाइट बॉल से खेलते थे वो टाइम में, तो कुछ आदत नहीं था वाइट बॉल का। और आप जो रिस्ट आप घुमाते हो, आपका जो आर्म स्पीड है, उसमें सीम पोजीशन भी नहीं दिखता है इतना अच्छे। राहुल केवटिया और दोनों आप दोनों लेग स्पिनर डाल रहे थे ना, मुझे इतना समझ में नहीं, तो मैं फुल स्ट्रेच हो रहा था और सिंगल लेने ट्राई कर रहा था पर वो टाइम में। तो ये आपका बॉलिंग का श्रेय किसको जाता है, कोई आपको सपोर्ट किया, कोई हेल्प किया बॉलिंग में? नहीं, मैंने स्टार्टिंग बॉलिंग शुरू से ही करता था, मैं बस यही था कि एज ग्रुप क्रिकेट में मैंने बहुत बॉलिंग किया, और रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट 2-3 सीजन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि दोनों सीनियर स्पिनर्स खेलते थे, तो इसलिए ज्यादा बॉलिंग करने को नहीं मिला। पर जब भी मैंने बॉलिंग किया, मैंने विकेट्स लिए स्टार्टिंग में भी, जब भी मतलब चांस मिला बॉलिंग करने का, ऑब्वियसली मैंने विकेट्स लिए। तो मेरे को यही था कि दोनों चीज छोड़नी नहीं है, दोनों पे इक्वल वर्क करना है, यू नेवर नो कब क्या काम आ जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वो सब चीज। नहीं, पर आप एक्यूरेट भी बहुत हो, मैंने देखा लेग स्पिनर इतने एक्यूरेट नहीं रहते, जब हम खेले थे हम मैचेस प्रैक्टिस मैचेस भी खेले थे, आपका वो टप्पा छूट रहा नहीं था, आपका लाइन भी अच्छा था, और लूज बॉल तो बहुत कम, मेरे को लगता है कि वो आपका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आप वो 3 साल में ऑलमोस्ट सब खेल लिए, आप वहां से IPL भी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था और इंडिया भी खेले थे, तो वो जो फॉर्म है, आपको क्या लगता है कि वो फॉर्म कहाँ से आया, क्या आपने ऐसा अलग क्या किया कि आपको वो फॉर्म कंटिन्यूस 3-4 साल के लिए बहुत अच्छा रहा? नहीं, अलग कुछ नहीं किया, वो यही है, जितना आप डोमेस्टिक में बॉलिंग करते रहोगे, जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे डोमेस्टिक में, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, तो वही चीज आगे कंटिन्यू होता है, चाहे आप इंडिया के लिए खेलो चाहे आप IPL के लिए खेलो, तो वो जितना आपकी बॉडी यूज टू रहती है कि आप लंबी बॉलिंग करो, अच्छे विकेट्स लो, तो आपको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है कि आप जाके IPL में भी अच्छा कर सकते। तो मेरे लिए वही था कि मैंने डोमेस्टिक में बहुत बॉलिंग की थी उस सीजन, जब मैंने अंडर 25 खेला तो अराउंड 350-400 ओवर में डाल चुका था 25 में। उसके बाद रणजी ट्रॉफी में जाके अलग बॉलिंग की, तो उसके बाद वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो विकेट, बाकी आपके पास विकेट्स रहते हैं साथ में, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। आपका जो इंडिया का कॉल आया आपको, तो फीलिंग कैसा था? फीलिंग तो मतलब अलग था, नेक्स्ट लेवल। मतलब उस साल ऐसा था कि मैं हम लोग इंडिया का टूर करके आए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो हम लोग जस्ट लैंड घर पहुंचा ही था मैं, तो उसके नेक्स्ट डे से इंडिया टीम अनाउंस होनी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं घर पे बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तो ऐसे ही मुझे कॉल आया कि तू सिलेक्ट हो गया टीम में, न्यूज दे। तो मैंने न्यूज देखा, तब मैंने सबको फोन किया, तो मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी, जो चीज सोची वो मिल गई, अलग लेवल फीलिंग
सबके लिए। तो इमोशनली कैसे थे आप? इमोशनली बहुत खुश था कि जो चीज ड्रीम की थी वो मिली, बहुत खुश था उस चीज से। और आपका टेस्ट डेब्यू के बारे में ज्यादा पता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबको पता है कि बैटिंग पिचेस रहते हैं, और आप टीम में आए आर अश्विन जैसे बड़े बॉलर को भी बाहर बिठा था, क्योंकि उनको रिस्क बॉलर खिलाना था। कैसा था डेब्यू का आपका, जो सीधा बड़े उनके ऑस्ट्रेलिया में खेलना बैटिंग विकेट, और वहां पे लोग अच्छे ही खेलते, वो प्रेशर कैसा था आपके लिए? प्रेशर तो वही रहता है कि जब तक ग्राउंड में जाते तभी तक प्रेशर रहता है, और जब एक रात पहले बताया कि आप खेल सकते हो तो ऑब्वियसली रात भर नींद तो आई नहीं, क्योंकि कुकोबुरा से खेलना, फर्स्ट टाइम खेलना, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। कितना ही प्रैक्टिस कर लो, मैच प्रैक्टिस इज टोटली डिफरेंट जब आप कुकोबुरा से खेलो, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा थे उस टीम में। पर यही था कि मतलब यही था कि ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, कि फर्स्ट एक दो बॉल डालने के बाद नॉर्मल हो गया था सब। और आपको जो एक्सपीरियंस कैसा था, बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स के साथ आपको चांस मिला तो, और ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसे रहता है? ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा था एक्चुअली। जब आप आईपीएल खेल चुके होते हो तो इतना ड्रेसिंग रूम इतना फर्क नहीं पड़ता। जब आप आईपीएल के लिए खेल चुके होते हो तो आप इंडिया टीम भी खेलो, क्योंकि सब लोग साथ ही खेलते हैं और आप एक दूसरे को खेलते हो, तो इतना उस टाइम फर्क नहीं। जब मैंने 14 में डेब्यू किया तो मैं एक दो साल आईपीएल खेल चुका था, जब आईपीएल आप खेल चुके हो सबके साथ खेल चुके, तो वो जो नर्वसनेस रहती है, जब वो फीलिंग रहती है, वो कुछ थी नहीं मेरे लिए। मैं नॉर्मल था, मतलब बस वही था कि इंडिया टेस्ट खेलना और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो थोड़ा प्रेशर था, बाकी नॉर्मल, बाकी सब नॉर्मल था। ओके, माही भाई के बारे में जरा बताओ, मतलब नॉर्मली किसी को पता नहीं कि ड्रेसिंग रूम में उनका मूड कैसे रहे, सबको मालूम है काम है, और थोड़ा अंदर से एकदम मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग आदमी, मतलब ग्राउंड में ऐसा कुछ दिखा था नहीं कि मुझे कुछ गुस्सा है, तो ड्रेसिंग रूम में कैसे रहते? ड्रेसिंग रूम में नॉर्मल है, वो एकदम नॉर्मल। उनको पता है कि क्या किस टाइम पे किसके क्या परफॉर्मेंस निकालना है, उनके आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में, पर ये रहता है उनके लिए कि वो उनको पता है कि किससे क्या परफॉर्मेंस निकालना है, तो इसलिए वो कूल एंड काम रहते हैं एकदम। उनको ड्रेसिंग रूम में भी ज्यादा कोई अगर सिचुएशन भी ऐसी है पैनिक वाली तो पैनिक नहीं होती, उनको पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है, और जब पैनिक सिचुएशन रहती है तो वो अपने आप को खुद फ्रंट पे रखते हैं। जब कोई भी ऐसा मैच फंसा है या कुछ चाहिए तो वो खुद जाएंगे बैटिंग करने, या जो भी उनका मेन बॉलर है उस टाइम उसको बॉलिंग करेंगे, या फिर अलग से उनको पता है किससे कैसे परफॉर्मेंस निकालना है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है हर प्लेयर। ओके, ड्रेसिंग रूम में सबसे मस्तीखोर कौन था, फनी कौन था? अभी चेन्नई में या इंडियन टीम? नहीं नहीं इंडियन टीम के लिए। नहीं उस टाइम तो सभी थे, विराट थे, शिखर भाई थे, और बाकी शामी शांत काफी लोग थे, सब लोग मजाक मस्ती तो सभी चलती थी उस टाइम, सब मजाक मस्ती, सब मजाक आप करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं जब खुलने के ऊपर है। नहीं नहीं मतलब हम लोग एनसीए में थे, मैं इतना देखा नहीं आपको ज्यादा मस्ती करते हुए। नहीं उस टाइम इतना मतलब वो एक होता ना अपना ग्रुप, जब आप किसी से अच्छे से ग्रुप होता है तो उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब वरना आराम से रहना ज्यादा यही। तभी आपने पहली बार ऐसा कैंप किया था मतलब जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के प्लेयर सब एक साथ मिले? अंडर 19 एनसी भी किया था मैंने उस साल। अच्छा अंडर 19 उससे पहले मैंने अंडर 19 एनसी भी किया। ग्रेट ग्रेट। आईपीएल में आप 5 बार फाइनल आ चुकी हो, आप जो भी टीम में जाते हो वहाँ पे लक लेके जाते हो, आपको मुझे लगता है कि लक्स कोजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए आपको। नहीं लक्स कोजी का तो जरूरत नहीं, ब्रांड एम्बेसडर ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जाते हो आप लक लेके जाते हो। नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी अच्छी चीज है कि मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हो, टीम जीत रही हो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और आईपीएल जीतना इट्स नॉट ईजी। और तीन फाइनल जीते हो, राइट? मैं तीन फाइनल जीता। तीन फाइनल जीते हो, तो अभी मुंबई में घर आया रहेगा आपका? नहीं अभी नहीं, अभी मेरठ में चल रहा है सब। मेरठ में? ओके, फिर मेरठ के बारे में बताओ जरा, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कंपनी है? मेरा एसजी से, मैं शुरू से एसजी से खेल। एसजी से मतलब आपको कुरियर आने की जरूरत नहीं, आप खुद फैक्ट्री में जाके सब ढूंढते रहोगे कौन सा बैट चाहिए। मतलब परेशानी नहीं होती मेरे को ऐसा, मैं चूज ही नहीं हूँ कि मुझे ऐसी बैट चाहिए, जो अच्छा हिट करे वही बैट, और कभी सामान के लिए शुरू से मना नहीं किया, मैं खेलूं नहीं खेलूं। तो बेस्ट, वेरी हेल्पफुल, बेस्ट आई थिंक बेस्ट कंपनी टू प्ले।
नहीं मेरा भी एसजी था, पर स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा अच्छा मिला, पर बाद में थोड़ा प्रॉब्लम क्यों होता था क्योंकि मैं आईपीएल नहीं खेलता था, मैं इंग्लैंड रहता था, वो टाइम में वो लोग बार बार आईपीएल आईपीएल को प्लेयर को भेजना है, उसमें मेरा एक बार तो ऑलमोस्ट मर मर के मिल गया था मुझे कुरियर। ये मुंबई में मतलब कैसे नॉर्मली आप यूपी के हो तो उस टाइम में कैसे फटाफट मिल जाता है, और जो बाकी के दूसरे स्टेट्स में और जो आईपीएल नहीं खेल रहे उनको थोड़ा दिक्कत आ जाती है। मैं स्पेशली यूके जा रहा था तो वो टाइम में, और थोड़ा एसजी का मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब सब प्लेयर्स को लोग अलग अलग ट्रीट करते थोड़ा, मैंने जितना देखा है, क्योंकि मेरा एसजी का कॉन्ट्रैक्ट भी वसीम भाई ने बात किया था वो टाइम में, पर ऐसे कीट तो अच्छा ही रहता है पर बैट में थोड़ा सा वो लोग ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट में खेलते हैं, लास्ट मोमेंट में जब मैं इंडिया सिलेक्ट हुआ था मुझे नेक्स्ट डे आया था खुद में, हो सकता है तो कभी कभी हो जाता है, पर वो उनके वो उनका भी वो नहीं है एक्चुअली, जितना भी मतलब वो बेस्ट की कोशिश करते हैं सबको देने का, और वो लोग पूरे इंडिया में बहुत लोगों को देते हैं, एसएस की तरह नहीं, एसएस थोड़े लोग को ही देते हैं, पर एसजी बहुत बहुत सारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग विद एसजी दीस डेज, बहुत लोग खेलते हैं, और हम लोग वहां भी खेले, हम लोग मैसूर में भी हम लोग रणजी ट्रॉफी मैच खेले। वो मैच के बारे में बताओ जरा, फील्डिंग कैसा था मेरा? सिलीपन शॉट लेग में तो चार कैच पकड़े थे, सिलीपन शॉट लेग का बेस्ट फील्डर जो मैंने अभी तक उस टाइम देखा, वो भी अच्छा मैच था, वो भी तो अच्छा मैच था हम लोग का, अच्छा मैच बन रहा था, फटाफट जो विकेट गए वो टाइम में स्पिनर को, चार पांच विकेट जो जल्दी गए, वेरी मैच टर्न हो गया। तुम्हारे टीम तो क्या क्या, बॉम्बे की टीम तो हमेशा ही अच्छी रहती है शुरू से, मतलब ऑब्वियसली बॉम्बे के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करना और बॉम्बे के अगेंस्ट खेलना बड़ा चीज रहता है, और उसमें भी विषय मैंने 5 विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग्स में। राइट, हां, तो और आपने बाद में अगेन मुंबई में भी शायद 100 मारा था? नहीं, इस साल का तो अलग मैच था, वो तो डिफरेंट गेम दिस सीजन, वापिस आया मैं रेलवे के लिए इस साल, तो वही था कि परफॉर्म करना और मुंबई जैसी टीम के अगेंस्ट और मुंबई में हराना, और रिकॉर्ड रेलवे का मतलब फर्स्ट टाइम के 7 पॉइंट लिए रेलवे ने मुंबई के अगेंस्ट, तो बिग अचीवमेंट था। मुंबई जैसी एक्सपीरियंस टीम जिसमें अज्जू खेल रहा था, पृथ्वी था, सूर्य था, शार्दुल था, धवन और सब लोग थे, वो मैं पूरी पूरी पैक साइड थी, सिर्फ मैंने ही था कैचेस पकड़ने को। तो बहुत ग्रीन विकेट था उसमें, मतलब स्पिनर का तो हार्डली मैंने कितने 7-8 ओवर डाले बस टोटल पूरे मैच में, तो वो मतलब पूरा ग्रीन टॉप था। राइट, और उसमें आपने 100 मार दिया, आपके दो ही 100 है, वो फर्स्ट डेब्यू में मारा और ये अभी मारा, और मुझे पता है कि आप बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आप टीम को टीम के लिए बहुत हेल्पफुल प्लेयर हो, मतलब नीचे जाके आप 6-7-8 नंबर में जाके भी क्रूशियल रन करते हो, तो ऐसे टीम हर टीम में एक एक दो प्लेयर रहती है जो उसमें परफॉर्मेंस करना भी इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब कभी कभी होता है ना कि कभी कभी बॉलिंग अच्छा नहीं होता तो आप बैटिंग से रन कर देते हो, वो चीज आपको कॉन्फिडेंस बॉलिंग में आता है, तो वो दोनों चीज आपको इक्वल रखनी पड़ती है एज ऑलराउंडर, तो इजी हो जाता है कि कभी बैटिंग डाउन है तो बॉलिंग में अच्छा करती है तो वही कॉन्फिडेंस आपको बैटिंग में आता है, तो बहुत इक्वल रहता है कि अगर आप अच्छा करो दोनों चीजों में। ओके, व्यूअर्स को व्यूअर्स आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, अभी हम करण शर्मा जी को थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, एक-एक आपके एक ने कुछ, हाँ एक ने लिखा है कि रेलवे से कैसे खेलते, रेलवे से अब तो आप अब नए रूल्स आ गए हैं, आपको जॉब जरूरी है अगर आपको एज ग्रुप क्रिकेट खेलनी है या रणजी भी खेलनी है, तो पहले होता था कि अगर आप डिपेंडेंट हो आपके फादर मदर या जिस पे आप डिपेंड हो उस पे रह सकते हो वो उससे खेल सकते हो, पर अब टोटली डिफरेंट हो गया, अब आपका जॉब इज मस्ट टू प्ले फॉर रेलवे। ओके, मतलब मैं जब अंडर 22-23 था वो टाइम में कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस लेते थे, पर अभी वो कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप मतलब फैमिली बैकग्राउंड में से, फैमिली बैकग्राउंड, हां किसी का रेलवे में पास पे नाम होना चाहिए आपको, रेलवे इशू तो अभी जॉब कंपलसरी हो गया, आप जॉब कंपलसरी। ओके, तो उनका रेलवे अंडर 19 में रेलवे ने बंद कर दिया, तो अब 23 और रणजी ट्रॉफी और वुमेन्स, ओके मतलब ट्रॉफी चलती है, तो उनका ये क्वेश्चन भी रहेगा शायद, क्योंकि
रेलवे के लिए जॉब मिलना भी कुछ तो क्राइटेरिया रहेगा, तो आपको क्या लगता है क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया यही है कि आप या आप एक तो किसी भी स्टेट से आप चैंपियन हो, सेमीफाइनलिस्ट चैंपियन, एज ग्रुप हो चाहे रणजी ट्रॉफी हो। तो रणजी ट्रॉफी में यह है कि आपको अच्छा जॉब मिल सकता है एज ग्रुप में, आप जो भी लो कैटेगरी जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से आपको मिलेगा। और अगर आप चैंपियन हो रणजी ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी तो आपको अच्छी अच्छा बेसिक मिल सकता है। वेरी इम्पोर्टेंट, रेलवे के साथ एक अलग टीम है, रेलवे सर्विसेज, सबको पता नहीं रहता कि वहाँ खेलना कैसे, वो एक बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा आंसर है कि करण सर आप रेलवे में कैसे सिलेक्ट हुए, तो वही एज ग्रुप में सब परफॉर्मेंस करके ही आए रहेंगे ना। ओके, हाउ वॉज इट टू वॉच रोहित 264 लाइव ऑन योर डेब्यू? वो तो अलग इनिंग था, वो तो ऐसे खेल रहे थे रोहित भाई जैसे पता नहीं नेट्स पे खेल रहे। स्टार्टिंग में नॉर्मल चल रहा था, जब लास्ट के कुछ 5-6 ओवर में उन्होंने एक्सेलरेट किया और हर ओवर में 2 छक्के तो वो ऐसे ही मार रहे थे नॉर्मल। मतलब वो इनिंग भी देखने के लिए मतलब वो स्पेशल स्पेशल राइट। हु इज टफेस्ट बैट्समैन यू हैव बोल्ड? T20 में तो हर बैट्समैन ही टफ है, टू बी वेरी फ्रैंक। बस आपको प्लान करना आना चाहिए कि कैसे किसको बॉल डालना है, क्योंकि हर 2 बॉल डॉट के बाद हर बैट्समैन आपके ऊपर जाता ही जाता है। Right. तो आपको पता होना, स्पेशली T20 जैसे विकेट्स है, आपको टर्न कराना इंपॉर्टेंट है। टर्न अगर है तो बैट्समैन फिर थोड़ा बैकफुट पर रहता है, पर अगर टर्न नहीं है और विकेट एकदम फ्लैट है तो बहुत ईजी हो जाता है T20 क्रिकेट। और आजकल डेथ क्रिकेट में भी ऐसे ही है, कोई बैट्समैन आपको हमेशा डोमिनेट करने को देता है, तो आपको हर दिन हर मैच में कोई ना कोई न्यू एक्सपेरिमेंट या अपने अंदर न्यू कोई चीज लाना पड़ेगा, जिससे आप बैट्समैन से एक स्टेप आगे रहो। और आजकल के बैट्स और विकेट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो आप बहुत इजी है बैटिंग करना। राइट, ओके। ऋतुराज मटकर का क्वेश्चन है, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज फिटनेस फॉर अ लेग स्पिनर एंड व्हाट काइंड ऑफ? फिटनेस तो आजकल हर जगह फिटनेस तो इम्पोर्टेंट है ही। आपका फिटनेस की वजह से आपके और 4-5 साल एक्स्ट्रा आप खेल सकते हैं। और लेग स्पिनर नहीं, मेरे ख्याल से हर क्रिकेटर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिकेटर नहीं आप तो हर फील्ड में इम्पोर्टेंस है, फिटनेस इम्पोर्टेंट हो गई। पर जितना आप फ्लेक्सिबल, जितना आप वो रहोगे फ्लेक्सिबल रहोगे, जितना आप क्विक रहोगे ग्राउंड में, उतना आपको फायदा है। एक्स्ट्रा यार्ड्स आप थकोगे नहीं बैटिंग, अगर आप ऑलराउंडर हो या बॉलिंग लंबे स्पेल डाल सकते हो तो आपको डिफरेंट, जैसे लेग स्पिनर्स के लिए शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और पिवट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंकल बहुत इंपॉर्टेंट है लेग स्पिनर, जस्ट कोई भी स्पिनर के लिए, तो उस चीजों पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट। और एक हिस्ट्री रहा है कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि स्पिनर्स स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो भी वो लोग ठीक ठाक लेवल खेल लेते हैं। मतलब जो भी आप स्पिनर्स देखो, या तो पतले रहते हैं या फिर हेल्दी रहते, तो मतलब ऐसा बहुत कम स्पिनर्स है वो फिट दिखते, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखो डिपेंड है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड है एक्चुअली, पर अब तो बहुत इम्पोर्टेंट, अब तो हर चीज में इतना क्विकनेस आ गई है, अब हर इतना लंबा डोमेस्टिक सीजन में आप देखो ना, इतना लंबा हो गया, वन डे T20 रणजी ट्रॉफी 8-8, 9-9 मैच, तो आपको फिटनेस लेवल आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना अगर आपको पूरा सीजन खेलना। और जो टीम फाइनल्स खेलती है तो और लंबा सीजन, उसके बाद IPL कैंप्स, IPL का टूर्नामेंट, उसके साथ हेक्टिक ट्रैवलिंग शेड्यूल, तो इम्पोर्टेंट है बहुत कि आप कैसे अपने आपको डाइट कंट्रोल करते हो, उसके बाद मेंटली कैसे स्ट्रांग रहते हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें। राइट, तो डाइट कितना इम्पोर्टेंट? हम सब ट्रैवलिंग करते हैं या मतलब हर स्टेट में जाते हैं या फिर इंटरनेशनल में जाएगा तो दूसरे कंट्रीज में आते हैं, तो खाना अलग अलग रहता है, और जो भी डाइटिशियन रहते हैं वो बताते हैं कि आपको ये खाना है, पर वो लोग नॉर्मली इंडियन जो भी फूड रहते हैं उस हिसाब से बताते हैं। हम जब बाहर के कंट्रीज में भी जाते हैं तो वहां पे भी अलग फूड रहता है, उनका टेस्ट अलग रहता है, तो वो टाइम में आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं बेसिकली वही है कि मतलब अगर आप जो भी मिल रहा है उसको क्वांटिटी देखना पड़ता है कि कैसे आप, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, जो भी खाओ क्वांटिटी के हिसाब से खाओ, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले कुछ भी खाओ, कई जगह होता है कि वेज नहीं मिलता, बाहर कंट्रीज में वेज नहीं मिलता, तो आपको जो भी वेज मिल रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम मतलब वो करना पड़ता है आपको। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कितना आपकी बॉडी के लिए सफिशियंट है।
ओके हर्ष का क्वेश्चन है, यंग लेग स्पिनर के लिए टिप आप बताओ कुछ। बेसिकली वही है कि जितना सिंगल विकेट बॉलिंग, क्योंकि लेग स्पिन इजी आर्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तो सिंगल विकेट बॉलिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अपने टाइम जब भी मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को जितने भी कोचेज जितने भी सीनियर प्लेयर्स ने बताया सिंगल विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए बैट्समैन रीड करना आना चाहिए, और शोल्डर जितना आप अपने आप अभी से स्ट्रांग बनाओगे यंग होने के, वे जितने स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको फिंगर्स रिस्ट और शोल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लेग स्पिनर, ये तीनों चीज स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके एक का क्वेश्चन है, नाम ने टीएम लिखा है, हु इज बेस्ट बैट्समैन यू हैव वन टू बेस्ट अभी करंट में तो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में जो भी बेस्ट है वो आईपीएल में, वो तो विराट और रोहित, बॉल डालना बहुत डिफिकल्ट, विराट और रोहित, उन लोग बॉल डालना बहुत, क्योंकि वो स्टेप आउट भी करते हैं और बैकफुट से भी खेलते हैं तो, और स्पिनर अच्छा खेलते हैं स्पेशली लेग स्पिनर्स, तो उनको चैलेंज है उनको बॉल डालने। ओके सर आपको कौन से टीम में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, मुंबई या सनराइजर? नहीं दोनों इक्वल था, मुंबई सनराइजर ने मेरे को पहले चांस दिया, मतलब जो मेरा नेम और फेम आया वो सब सनराइजर्स से आया, उन्होंने मुझे चार साल में खेला वहाँ और ऑलमोस्ट सारे गेम्स खेला, और मुंबई भी, ये भी मुंबई से भी मतलब मुंबई का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मुंबई पूरी पैक साइड रहती है और वहाँ खेलना बहुत टफ है एक्चुअली, पूरी बैक साइड खेलती है और पूरे मतलब, और मुंबई जैसे विकेट पे एज अ स्पिनर भी चैलेंज है, क्योंकि तुम तो मुंबई में खेले हो तुमको पता है कितना डिफिकल्ट है मुंबई में बॉल डालना, स्पेशली ड्यू के टाइम पे, जब शाम को ड्यू रहता है उसके बाद बॉल डालना, तो दोनों का अलग एक्सपीरियंस था, पर दोनों से ये अच्छा है कि आईपीएल जीता दोनों से, और मुंबई इसलिए स्पेशल है क्योंकि मुंबई में सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच था बदकुशल गेम था अगेंस्ट केकेआर, सारे जिसलिए स्पेशल है क्योंकि एचआर ने सब कुछ दिया मेरे को स्टार्टिंग 2013 से उनके लिए खेला मैं, दोनों इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट। ओके योर फेवरेट बॉलिंग वेरिएशन कौन सा? मेरे लिए बेसिक लेग स्पिन ही है, वेरिएशन के लिए लेग स्पिन के साथ अगर आप गुगली मिक्स करता हूं मैं। विदर्भ के बारे में पूछना था, आप विदर्भ मतलब आपके मन में क्यों आ गया आप विदर्भ जाना चाहिए? जाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं था, रेलवे में थोड़ा सा कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, जिस मतलब जिस साल में छोड़ के गया उस साल में हाईएस्ट विकेट टेकर था, 30-32 विकेट थे मेरे डोमेस्टिक में उस सीजन, पर कुछ ऐसी बात थी कि मतलब कुछ मैनेजमेंट या कुछ उस टाइम के प्रॉब्लम हो गई थी, नीचे भी गई थी ना मतलब। हाँ पर उस अगले साल से मतलब हाईएस्ट विकेट खत्म हो गया था नेक्स्ट ईयर से, तो कुछ रीजंस थे मैं विदर्भा गया, पर वहाँ भी मतलब ठीक था, इंजर्ड हो गया वहाँ थोड़ा मैं बीच में 3-4 मैचेस खेलने के बाद, तो फिर मैंने वापस सोचा कि मैं फिर मैं आंध्रा गया उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2018 में। विदर्भा का यही था कि अच्छा था, वहाँ भी फाइनल खेले, वहाँ भी फाइनल जीते, ईरानी जीते, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब जीतना ठीक है आप नहीं अच्छा कर पाएगा जो भी था, पर टीम जीती वो भी अच्छी चीज थी एक्चुअली। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था चंद्रकांत पंडित एंड वसीम जाफर के साथ? ये वसीम भाई के साथ तो मैं 2009 में भी आईपीएल में साथ रहे हैं वसीम भाई, और वसीम भाई काफी टाइम हम लोग उनके लिए बोलने की जरूरत नहीं, इतना डाउन टू अर्थ है वो और हर चीज में आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, और इतना बड़ा बैट्समैन है कि उनके बारे में कुछ बोलने के लिए कुछ वर्ड ही नहीं है, मतलब इतने मतलब ग्राउंड टू अर्थ इतना हम्बल आदमी है। और चंदू सर के साथ अच्छा मजा आया काफी, ऐसा पहला कोच पहली बार अंडर खेला मैं, तो उसका दोनों का अच्छा था, मतलब ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल प्लेइंग फॉर डिफरेंट स्टेट, ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो चंदू सर का मतलब वो किसी को चिल्लाते हुए देखा क्या? स्ट्रिक्ट, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है, फुल एकदम जैसे बोले वैसे ही प्लान रहता है उनका, थोड़ा भी कुछ गलत किया तो फिर उसको, अगर आपने 100 भी किया या 5 विकेट भी निकाला, अगर उनके प्लान के हिसाब से नहीं तो भी गाली खाते हो, तो आपको क्या लगता है उसका? अंदर वाले से ज्यादा बाहर वाले ज्यादा ऑन टोस रहते हैं जो खेल रहे हैं वो तो ठीक है, जो बाहर 4-5 रहते हैं और जो ट्रेनर वो ज्यादा गैस पे रहते हैं,
ज्यादा टोस पे रहते हैं वो लोग। नहीं अच्छा था उनका भी, मतलब ऑब्वियसली यार उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा, जहाँ भी गए कितने फाइनल्स खेले जीते हैं वो भी, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्टनेस, भले ही वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्टनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे नेक्स्ट लेवल आपको खेलना है, नेक्स्ट लेवल आपको ट्रॉफी जीतनी है तो कैसे, तो डिसिप्लिन उनसे बहुत मतलब बहुत अच्छा सीखने को मिला कि डिसिप्लिन क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पे मतलब अगर आप गेम में बहुत ऊपर भी हो तो भी आपको ढीला नहीं पड़ना, या एकदम डाउन हो तो एकदम छोड़ना नहीं, तो उनको उनके मतलब हर चीज़ प्लान करना। और वहाँ विदर्भ का प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जो ओवरऑल प्लेयर्स हैं वो भी हार्ड वर्किंग प्लेयर्स हैं, तो मतलब ओवरऑल उनका गुड कॉम्बिनेशन। उन लोग का मेरे से फेस पेजल से भी बात किया था, उन लोग लास्ट 10 साल का जो सेटअप था उनका बहुत अलग था, जैसे एनसीए का एकेडमी है वैसे ही वहाँ पे उन्होंने पूरा अच्छे से बनाया, सब प्लेयर्स वहाँ रहते एक ही जगह पे रहते ट्रेनिंग करते, तो वहां से उनका डेवलप, और कोचेस भी सब बड़े बड़े कोचेस उन्होंने हायर किए थे, तो वहां से उनका धीरे धीरे ओवरऑल सेटअप तो बहुत अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस विकेट्स प्रिपरेशन हर समय आपको विकेट्स अवेलेबल है, अगर आप टीम नहीं कर रही आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है, मतलब ओवरऑल प्रैक्टिस डीसीए ने बहुत अच्छा बना रखा है अपना, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग टोटल डिफरेंट क्रिकेट नाउ। हां, और रणजी ट्रॉफी नहीं, ओवरऑल क्रिकेट एज ग्रुप से लेकर रणजी ट्रॉफी वुमेन सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो इतना टाइम का हार्ड वर्क उनका पे ऑफ हुआ ना, इतना टाइम का हार्ड वर्क, इतना टाइम का विदर्भ वाले बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, उनको सिर्फ कैसा एक एक एम मिल गया, मतलब कोई बताने वाला मिल गया कि अगर आप ऐसा जाओगे राइट डायरेक्शन जाओगे सक्सेस आपको मिलेगा, तो वो उनको वो पता नहीं था, हार्ड वर्क तो करते थे क्योंकि वो जगह पे बहुत हार्ड वर्किंग लोग रहते, विदर्भ जो एरिया है हार्ड वर्किंग है बहुत, और उनको वो आइडिया नहीं था, फिर सब अच्छे अच्छे से कोचेस गए उधर, सब जो भी मोस्टली मुंबई के ही मोस्टली थे 70 लोग, बाद में प्रोफेशनल्स से आप भी खेले हो बद्रीनाथ, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स दोज हु हैव प्लेड हायर लेवल है इंडिया, वो लोग वहां जाके फिर उनसे बात करके, अभी वसीम भाई भी थे, तो उनका माइंडसेट वैसा हो जाता है, कैंपेन की तरह एक माइंडसेट हो जाता है, और हर एक प्लेयर सही बात है, पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे हैंडल करते हो वो सिचुएशंस, सिचुएशंस को चंदू सर और वसीम भाई ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, क्योंकि कई कई टाइम ऐसा था कि हम लोग एकदम, क्योंकि फर्स्ट ईयर जब जीते जिस साल मैं था उस साल तो एवरी गेम डोमिनेट किया, एक बस जो कर्नाटका गेम सेमीफाइनल था उसमें थोड़ा फंसे थे, बाकी हर गेम टिल फाइनल्स सबको डोमिनेट किया, इवन सेमीफाइनल बहुत अच्छा मैच हुआ था, मतलब हम लोग मुंबई में कौन सा मैच खेल रहे थे और वहां पे सडनली विदर्भ बोला तो कोई सोचा नहीं था कि विदर्भ कर्नाटक को हराएगा, क्योंकि लास्ट के विकेट्स भी थोड़े अच्छे ठीक तक 3-4 विकेट बाकी थे लास्ट में, और सडनली गुरबानी ने जो स्पेल डाला और मैच खत्म किया, उसका तो ड्रीम सीजन था, उसने जो बॉलिंग की सेमीफाइनल फाइनल ईरानी ट्रॉफी, मतलब हर जगह अलग बॉलिंग कर रहा था, राइट, तो गुरबानी कैसा लगता है आपको? मैं शौक हूँ कि उसके बाद उसने इतना मतलब इतना परफॉर्म नहीं कर पाया, जिस सीजन उसने स्टार्ट किया था वो सीजन सेमीफाइनल में वन साइडेड, क्वार्टर फाइनल वन साइडेड, फाइनल में वन साइडेड टीम को लेके गया, पर नेक्स्ट सीजन मुझे मैं शौक हूँ कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, मे बी कोई रीजन होगा या कुछ भी होगा वो मुझे नहीं पता, पर वो क्लास बॉलर था, मतलब उस फेस पे दोनों स्विंग कराना और एक जगह से स्विंग कराना। ओके, तो आप लास्ट फ्यू सीजन्स आईपीएल में आपको चांसेस अपॉर्चुनिटी इतने नहीं मिले क्योंकि आपके साथ और अच्छे स्पिनर्स भी थे, तो आपको क्या लगता है कि आप खेलना खेल सकते थे ज्यादा मैचेस? नहीं ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है टीम कॉम्बिनेशन भी, मैं 2018 में भी मैं 6 मैच खेला, 19 में मैं एक ही मैच खेला, तो ऐसा ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो हार्ड वर्क ही है, मैं कुछ इसमें कुछ कह भी नहीं सकता ना कुछ बोल सकता, क्योंकि मे बी वो लोग कुछ सोचा होगा टीम कॉम्बिनेशन क्या था, वो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोग जब 2018-19 में जब खेले तो हमारे ओवरसीज बॉलर्स इंजर्ड थे सब, तो इसलिए तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे, पर यही है कि आप वेट कर रहा था इस सीजन का बहुत, क्योंकि हम लोग का कैंप भी काफी टाइम लग गया था, फर्स्ट मार्च से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, तो
बहुत अच्छा सीजन चल रहा था, मतलब स्टार्टिंग में कैंप स्टार्ट हो गया था, सब कुछ अच्छे उसमें थे, माही भाई राणा भाई लोग सब लोग अच्छे फॉर्म में थे, तो सब ईगर थे। माही भाई भी काफी टाइम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो वो भी बहुत ईगर थे इस सीजन को स्टार्ट होने के लिए, पर अब स्टार्ट नहीं हुआ, देखते हैं कब होता है। पर मैं तो यही कोशिश मेरी तो ये रहती है कि हर गेम खेलूं, पर जब आपके हाथ में नहीं रहता तो वही है कि अपना हार्ड वर्क करते रहो और वेट फॉर योर चांसेस। तो मुझे बताओ, आप लेग स्पिनर हो, ठीक है, तो जब बैट्समैन आपको मारता है, नॉर्मली स्पिनर स्पिनर को सब लोग डोमिनेट करने देते हैं, तो वो टाइम में आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो, और या फिर आपका जब टाइम खराब चल रहा है, मतलब आपको विकेट ही नहीं मिल रहे, तब बैट्समैन आपको मार रहे, तो वो टाइम आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? और जब ग्राउंड पे रहता हूँ तो उस टाइम ज्यादा टाइम तो रहता नहीं सोचने का, तो यही कोशिश रहती है कि अपना बेस्ट बॉल डालो। और बैट्समैन कोई भी बैट्समैन हो, अगर कोई भी बैट्समैन उसका एक आधा वीक पॉइंट तो होता है, और आप इतना तो आप खेल लिए हो कि आपको पता है कि कौन सा बैट्समैन कहाँ पे स्ट्रांग है कहाँ पे वीक है। तो कोशिश मैं यही कहता हूँ कि अगर मुझे कोई मार रहा है तो मैं उसको सिंगल दूँ, दूसरे बैट्समैन को लाऊं, या फिर अगर वो भी डोमिनेट कर रहा है मेरे को तो आउटसाइड ऑफ स्टंप या कुछ भी मतलब पैड पे डाल के, क्योंकि जब आपका टाइम नहीं चल रहा तो आपको बच के आपको दूसरे को खिलाना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप राइट टाइम कौन सा आपको माइंड वर्क करना चाहिए, उसका मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक टाइम होता है कि आपको सही में विकेट नहीं मिल रहे और बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही है, और कई टाइम होता है कि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही होती है विकेट नहीं अच्छी मिल हो रही है रहा, विकेट नहीं मिल रहा, राइट। विकेट नहीं मिलता। तो आपको आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हो विकेट नहीं मिल रहा तो आपको पता है कि भाई मैं बॉलिंग अच्छी कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल विकेट जरूर मिलेगा। और जब नई विकेट मिल रहा हो बॉलिंग में अच्छी हो रही हो तो फिर आप मैं तो बेसिक्स पे आ जाता हूँ, अपना सिंगल विकेट डालना और हार्ड वर्क करना बॉलिंग पे, और कोचिज से बात करना, अपने मेंटर से बात करना जिन्होंने अभी तक बताया है सब कुछ, तो खराब टाइम में कैसे अपने आप को ऊपर मोटिवेट करना है, कैसे और बॉलिंग करना है, कैसे और अपने आप को इम्प्रूव करना, तो मैं उस पर ज्यादा वर्क करता हूँ। फिर अपनी वीडियोज देखता हूँ पहले भी। और डोमेस्टिक और जो भी आईपीएल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल में आपको क्या डिफरेंस? मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सबसे टफ है तीनों में देखा जाए तो। डोमेस्टिक के तो इंटरनेशनल बॉलर्स के ऐसा लिए टफ, इंटरनेशनल बॉलर्स के लिए इसलिए टफ है कि थोड़ा फ्लैट विकेट्स मिलते हैं हाँ और फ्लैट विकेट्स मिलते हैं और बॉल भी डिफरेंट रहता है, जैसे टेस्ट मैच खेलो तो आपको कोकोबुरा से मिलता है आपको खेलने के बाहर। राइट डोमेस्टिक इसलिए टफ है क्योंकि डोमेस्टिक में आपको हर हर सेकेंड गेम डिफरेंट जगह जाके खेलना है, हाँ और आपको कभी ठंडी में खेलना है, नेक्स्ट गेम गर्मी में खेलना है, कभी राइट आपको फ्लैट पे खेलना है, कभी आपको टर्नर पे खेलना है, कभी आपको एकदम ग्रीन पे खेलना है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज है। इंटरनेशनल में क्या आपको क्राउड सपोर्ट रहता है, डोमेस्टिक में आपको क्राउड सपोर्ट नहीं है, तो आपको सेल्फ मोटिवेट करना रहता है अपने आप को, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे करते हो। डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक में डिफरेंट चैलेंज रहते हैं क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग आंसर है, क्योंकि कोई भी बोलेगा ऊपर के लेवल में अच्छे बैट्समैन रहते हैं, ये रहते हैं, पर आपने जो बोला वो इंडिया में हर टाइप के पिचेस रहते हैं, हर टाइप का क्लाइमेट रहता है, अलग अलग टाइप के बैट्समैन भी रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ साइड के एग्रेसिव रहते हैं, थोड़े अटैकिंग खेलते हैं, वेस्ट जोन के नॉर्मल खेलते हैं सिचुएशन के लिए, इसलिए टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट साइड वाले अच्छे खेलते हैं अच्छा खेलते और नॉर्थ साइड वाले T20 वनडे में अच्छे खेलते हैं, इवन साउथ में भी है, तो फिर सबका अलग अलग क्रिकेट रहता है अकॉर्डिंग टू द पिच एंड कंडीशन। तो आप और यूपी के हो, आपके इधर आप हार्डली बिल्कुल 60 ओवर हाँ होता है दिन में, और हाँ फॉग की वजह हाँ से वहां पे लाइट भी फॉग की अलग वजह से, रहती है। सही बात। तो आप अगर देखो ना, आपको पता है कि अगर आपको सपोज इंग्लैंड टूर करना है या ऑस्ट्रेलिया टूर करना है तो आपको पता है कि भाई विकेट कंडीशन चैलेंजिंग रहेंगे बैट्समैन के लिए, पर आपको यहाँ नहीं पता ना आपको मुंबई में जाके या आपको दिल्ली में जाके कौन सा विकेट मिलने वाला है, आपको एक दिन दो दिन पहले आपको पता चलता है। और आप बाहर टूर पे जाते हो तो आपको पता रहता है कि भाई ये विकेट है यहाँ पे खेलना है, इंग्लैंड में ऐसा विकेट है, इस जगह पे ऐसा विकेट है, पर अगर आप डोमेस्टिक खेलते हो तो आपको नहीं पता कौन सा विकेट है। कभी कभी तो आपको दिखाते हैं ग्रीन है दे देते टर्नर खेलना, तो वो बहुत टफ सिचुएशन है ना आपको। तो और आप आपका जब कोई दिस आप फन? दिस दिसंबर हाँ में बोलो। खेलोगे, आप दिसंबर जनवरी में अगर आप इधर नॉर्थ में खेलोगे तो एकदम टोटल डिफरेंट कंडीशन है, और वहीं आप उसी टाइम पे राजकोट में खेलोगे तो डिफरेंट कंडीशन है, तो इसलिए राइट थोड़ा टफ है, चैलेंजेस बहुत हैं, टफ बॉलर्स हैं आपको डालने के लिए। और कुछ क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
Why does a leg spinner doesn't bowl carrom ball? Maybe because of the grip. ऐसा पकड़ के लास्ट मोमेंट में नहीं हो सकता है। बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग का तीन बेसिकली हमारा थर्ड फिंगर यूज होता है और ऑफ के बेसिक फर्स्ट टू फिंगर्स यूज होते हैं तो मेरे ख्याल से और बॉलर्स ऑफ स्पिनर से लेफ्ट आर्म क्या है वो थोड़ा फ्रंट आर्म रहता है लेग स्पिनर को थोड़ा सा क्लोज क्योंकि बॉल डालना पड़ता है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा टफ है कभी ट्राई नहीं किया पर मुझे लगता नहीं कि इट्स ईजी टू बॉल कैरम बॉल हम वैसे भी लेग स्पिनर्स पर इतने वेरिएशंस हैं कि मेरे ख्याल से कोई और ऐड करने की जरूरत नहीं एक्चुअली कैरम बॉल तो आपको ऐसा डालना है उंगली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसके लिए तो ऑलरेडी आप लेग स्पिन डाल रहे हो तो जरूर क्यों कैरम बॉल आपको कैरम बॉल के लिए सेकंड फिंगर को यूज करना पड़ेगा जो आपका मतलब बेसिकली इतना यूज में नहीं है हाँ ये दो फिंगर कुछ तो है दो फिंगर ऐसा डालना पड़ता है तो अपने को तो थर्ड फिंगर का ज्यादा यूज है तो बहुत कभी ट्राई नहीं किया बट इम्पोर्टेंट है एक्शन के ऊपर भी ओके एक आमिर का क्वेश्चन है आपके हेयर स्टाइल के बारे में कुछ तो है क्या दिल्ली कोल्ट्स करण भैया प्लीज मेक योर हेयर स्टाइल लाइक सेम व्हेन यू वेयर इन साउथ दिल्ली कोल्ट्स यू लुक मोर गुड इन दैट हेयर स्टाइल कौन सा हेयर स्टाइल था वो टाइम में वो स्पाइक था ना अभी लॉकडाउन चल रहा था सब सब साधारण सिंपल हो गया सब उड़ा दिए ओके ओके एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अरुण का क्वेश्चन है आई आल्सो सी यू एज अ गुड बैट्समैन हाउ आर यू ट्रेनिंग टू इंप्रूव योर बैटिंग स्किल्स मैं बेसिकली बैटिंग ऐसा कुछ वो नहीं है बस मैं यही करता हूँ कि जब भी नेट्स में जाता हूँ तो मैं चैलेंज देके खेलता हूँ सिचुएशन टाइप पे खेलता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं सिचुएशन मतलब जो भी आप जिस सिचुएशन में जैसे मैं 5-6 नंबर 6-7 नंबर बैटिंग करता हूँ तो बॉलर्स को बोल के चलता हूँ अगर वाइड बॉल है तो क्या स्पीड होगा तो वही चीज़ से इम्प्रूव होता है क्योंकि वही चीज़ आपको अगर आप रेगुलर करते रहो नेट्स में तो वही सिचुएशन आपको मैच में मिलता है तो आपको पता रहता है कि मैंने नेट्स में किया हुआ तो मेरे को ईजी है तो उसी चीज से आपको इम्प्रूवमेंट भी होता है मेरा तो यही है मेरा बॉलिंग बैटिंग दोनों में यही है कि जब मैं नेट्स में बॉल डालता हूँ तो मैं फील्ड बता के डालता हूँ तो ये सिचुएशन क्योंकि नेट में आदमी को डर नहीं रहता तो उसमें आदमी को और चैलेंज रहता है अगर आउट भी हुआ तो कोई बात नहीं तो फील्ड सेट करो बॉल जो भी बैटिंग करेगा फील्ड सेट करो का मैच का प्रिपरेशन डायरेक्टली हो जाता है क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स रहते हैं जैसा मेरा एक्टर है वो लोग मैच में जाते तो प्रेशर लेते हैं ये क्या हो गया अचानक मैच प्रैक्टिस में बिंदास खेलते ऊपर से मारेंगे स्टेप आउट हो जाएंगे आउट हुआ तो कुछ डर नहीं पर मैच में कहते एक बार आउट हो गया तो उसका प्रेशर आता है उनको तो वो टाइम में वो लोग सोचते नहीं कि और आप खुद भी देखो अगर आप जैसा नेट्स में खुल के बैटिंग कर रहे हो आप मार रहे हो आउट हो रहे हो कोई बात नहीं पर अगर आप कोई बोल दे कि ये सिचुएशन है आपके पास एक या दो विकेट बचे हैं तो आप भी उस टाइम से आराम से वो करोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज आपको अभी से मतलब नेट्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप मैच इतना टाइम नहीं होता मैच में कि आप सोचो कि क्या करना है आप क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो फॉर द गेम और एक गेम ऐसा नहीं कि सुबह ही प्रिपेयर होता है 2-3 दिन पहले आपको पता रहता है कि कौन कौन सा गेम चल रहा है किससे मैच है तो प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है 2-3 दिन पहले तो आपको ईज हो जाता है मैच के दिन बहुत ईज रहता है तो आपको पता है कि आप फुल प्रिपेयर हो ओके थोड़ा अभी रैपिड फायर क्वेश्चन खेलते हैं रेडी तो मैं अभी जो भी ऐसा फेवरेट बैट्समैन बॉलर जो भी बोलूंगा तो आपको डोमेस्टिक का बताना है और इंटरनेशनल ठीक है जो इंटरनेशनल लेवल में खेल रहे हैं और जो डोमेस्टिक लेवल ठीक है आपका फेवरेट बैट्समैन डेविड वार्नर और डोमेस्टिक में अंकित बाल्ने बहुत रन बनाता है फेवरेट बॉलर डोमेस्टिक में नदीम है नहीं नदीम एंड इंटरनेशनल रबाड़ा ओके फेवरेट ऑलराउंडर
ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बहुत कम है क्या? ऑलराउंडर ऑलराउंडर बहुत कम है। आप खुद हो ना एक? नहीं अपना नहीं बोलना ना। बहुत सारे विनय कुमार ने बहुत अच्छा किया। अच्छा बैटिंग में भी किया है, फाइनल में 100 मारा वो मालूम है मुझे। विनय कुमार ओके। इन बेस फील्डर जडेजा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में तो आजकल सभी अच्छे फील्डर है मेरे ख्याल से, तो सभी डोमेस्टिक में। तो सिली बॉल छोड़ने में कैचेस पकड़े थे वो अच्छा फील्डर है कि नहीं? वो तो अच्छा है, उसका नाम भी लेना है क्या? भाई मैं डोमेस्टिक में हूँ ना, वे किधर बाहर है? ओके बेस्ट टीम अपना टीम नहीं बताना है, इंडिया और आप जो खेले वो टीम नहीं बताना है, इंटरनेशनल में दूसरा डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड, डोमेस्टिक में सौराष्ट्र कंटिन्यू। ये नहीं कि इस साल वो जीती है रणजी ट्रॉफी, पर वो लगातार 8-9 साल से दे आर प्लेइंग कंटिन्यूअस वेरी गुड क्रिकेट। लास्ट 10 साल में था तीन फाइनल तो मुझे याद है, क्योंकि मुंबई के साथ ही दो फाइनल खेले या दोनों हारे थे। ये साल पहली बार वो लोग जीते आफ्टर लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम। लास्ट ईयर विदर्भ से शायद हारे, लास्ट ईयर शायद विदर्भ से हारे, तो वो कंटिन्यूअस चार फाइनल खेले लास्ट 10 इयर्स ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट उनका सेम ग्रुप रहता है, ऑलमोस्ट उनके जो 15-20 प्लेयर रहते हैं वो ऑलमोस्ट ग्रुप सेम रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक टीम्स के लिए। सौराष्ट्र में कंपटीशन भी थोड़ा कम है पर टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो। भले वो इंपॉर्टेंट है ना, आप स्टिक करते हो, भले परफॉर्म करें ना, पर आप स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्लेयर्स को। कोई भी डोमेस्टिक टीम है वो टीम अच्छा करती है जो अपने कोर ऑफ द टीम को अच्छा लेके चलती है। उनके कोच भी करसन गावड़ी थे, वो उनको एक्सपीरियंस है चैंपियनशिप का, तो वो उनको मे बी उनको हेल्प हुआ था। और राइट टाइम पे राइट आदमी को परफॉर्मेंस करवाना वो भी इम्पोर्टेंट चीज, कि आप कैसे जो सबसे सबसे जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको कैसे लेके चलते हो उस टीम में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा युवराज सिंह। युवराज सिंह एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि आप तो नॉर्मली लेग स्पिनर बैट्समैन हो, तो एनी स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि मैं शुरू से जब वो मतलब 2000 जब भी वो कीनिया वाला टूर्नामेंट था तब से मैंने उनको देखना स्टार्ट किया। द वे ऑफ बैटिंग और फील्डिंग वो करते हैं, बॉलिंग का तो नहीं बोल सकता, पर जब बैटिंग और वो जब बॉलिंग का फील्डिंग करते हैं तो मुझे अलग ही क्रेज था। मुझे एक्सपीरियंस है उनको, मैं शॉर्ट लेग में खड़ा था, जहीर खान बॉलिंग डाल रहे थे, जहीर खान ने बाउंसर डाला, पहले बॉल छोड़ा, मैं एक बॉल जो पुल मारा है जो कान में मेरे आवाज है ना पुल का, शॉर्ट लेग में ना हो, जहीर खान का कैसे प्रेशर डालते हैं बैट्समैन के ऊपर, और जो बाउंसर जो मारा है ना तेज ऐसा जो कान में आवाज आया था मेरे बाप, बोले क्या शॉट था। नहीं वो ऐसी है वो तो। और नेट्स में भी जो बैटिंग कर रहे थे ना यार, मतलब खुले सब लोग टाप टाप टाप, बोला कौन मा बैटिंग कर रहा बाहर आके, मैं युवराज सिंह तो कुछ इजी इजी ऐसा टाप अलग 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 बैटिंग। और स्लिप स्पिनर्स तो डोमेस्टिक में चांस ही नहीं आसपास खड़े होने का, तो उनको ऐसा स्वीप शॉर्ट लेग वॉट लेग तो भूल जाओगे कोई खड़ा है तो। ऐसा ही लग रहा था कि वो कब आउट होके जा रहे और मैं सिली बॉल शॉट ले, क्योंकि मैं अच्छा फील्डिंग करता तो मुझे रखते सब स्पिनर्स को मैं ही चाहिए भाई, तो दूसरे को मत दे तू ही। बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो एक दो कैच क्रूशियल राइट टाइम और वो वाले कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बॉल किक होना बाउंस होना उस पर अच्छा कैच, उसके लिए स्पेशली चाहिए, आगे के लिए तो आपको स्पेशल फील्डर भी चाहिए। राइट ओके। आपका फेवरेट फूड क्या है? फूड मेरा घर का राजमा चावल। घर का हिस्सा। ओके फेवरेट ड्रिंक? ड्रिंक तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे पानी भी नहीं तो पीते रहे? पानी तो ड्रिंक थोड़ी तो ऐसी लो नींबू पानी वाटर जूस। हाँ बेसिकली वो लस्सी वगैरह ही चलता है। हाँ तो मेरा भी फेवरेट है लस्सी। लस्सी चलता। ओके आप यूपी के हो तो आपका फेवरेट कबाब कौन सा है? कबाब कबाब मैंने पहले खाता था तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया छोड़ दिया सब।
तो फेवरेट कौन सा तो रहेगा, यूपी तो कबाब के लिए माना जाता है, लखनऊ माना जाता है कुंडे कबाब बेसिकली, लखनऊ बेसिकली लखनऊ में बहुत क्रेज है नॉनवेज का, लखनऊ कानपुर और लखनऊ। ओके नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है क्या, आपका जो स्पेलिंग है कर्ण, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसे, करण है कि कर्ण है? कर्ण, के ए आर एन, कर्ण के ए आर एन। तो क्या उसका कुछ मीनिंग है अलग से? नहीं, मेरा नाम ही कर्ण है, करण लोग बोलते हैं अब सबको, तो आप सही नहीं कर सकते, पर जो मेरा पासपोर्ट या जो भी बीसीसीआई में जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है सब कर्ण ही। मतलब जब मतलब बर से ही वही स्पेलिंग है, बर से ही नाम, बर से वही स्पेलिंग है। आपने बोला हाँ, तो ऐसा कुछ रीजन नहीं कुछ? नहीं, मेरा शुरू से कर्ण नाम ही था तो, और पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं पता था कि स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर जब से वो पासपोर्ट वगैरह और बीसीसीआई में आने लगा है तो तब से मैंने चेंज सब कुछ, पासपोर्ट जब बना तब तो उसने भी पूछा ऑफिसर ने कि आपका नाम ये है कि ये स्पेलिंग गलत लिखा है, मैंने कहा नहीं यही है, तो मेरे हिसाब से तो ये तब सबको आप नहीं चेंज कर सकते ना। आपको बहुत जितने लोग देख रहे हैं उनको तो मालूम पड़ा कि इनका स्पेलिंग के आर एन कर्ण है, करण नहीं। ओके थैंक्स करण सर, नो प्रॉब्लम। वस्तु एकेडमी कैसी चल रही है अभी मुंबई का? एकेडमी चल रही है अभी, ऑनलाइन कोचिंग चालू है। अच्छा, और क्योंकि यहाँ पे मुंबई में कैसा थोड़ा कोरोना वायरस का ज्यादा चालू है, ज्यादा सिर्फ मेडिकल और कुछ सब्जी वब्जी देना रहेगा, तो अभी तो होम डिलीवरी ज्यादा हो गया मुंबई में, तो चल रहा है अभी, सब ऑफिस भी चालू हो गए, पर अभी कुछ कर नहीं सकते ज्यादा टाइम, लोगों को घर पे रोक नहीं सकते ना, पैसा कहाँ से आएगा, सब लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ। अब तो फिलहाल तो इसी के साथ रहना, इसी का एडजस्ट करना वही है। बहुत लोगों का जॉब भी गए, जॉब भी गए, बहुत लोगों का हाफ सैलरी आ गए, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, पर हो जाएगा, तो बहुत लाइफ में और डिफिकल्ट टाइम आए हैं, तो ये भी निकल वो आपके इधर कुछ ज्यादा नहीं है ना? नहीं है, इधर भी है, इधर भी रेड जोन है, पर इधर भी मतलब एसेंशियल भी खुले हुए हैं अभी तक, ऐसा नहीं है कि फ्री फ्लो है, कुछ टाइम के लिए खुलता है कुछ टाइम के लिए बंद होता है, पर जहाँ मैं रहता हूँ वो कॉलोनी अच्छा है तो वहाँ ज्यादा अलाउड नहीं है, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, क्योंकि बाहर से कोई आ जाएगा, हमारे इधर भी सोसाइटी में जो भी बाहर से आते हैं वो गेट तक ही रहते, कुरियर भी आएगा गेट में ही, उधर ही रुकाते उनको, उससे कैसे ज्यादा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा, वरना अपने को फाइट करना है इसके, और कोई करेगा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हैंडल करते हैं इस चीज को। ओके अगेन थैंक्स करण फॉर कमिंग लाइव, नो प्रॉब्लम भाई, थैंक यू सो मच, मजा आया। मुझे लगता है कि जो भी लेग स्पिनर है उनको आपको देख के मोटिवेट हुए रहेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखे रहेंगे, और वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग, और हम मिलते रहेंगे आगे भी, आप जब भी मुंबई आओ कॉल करो, मैं यूपी आऊंगा, मेरठ में आऊंगा बैट लेने, तो आप मुझे पोस्ट करके दो बैट कौन सा। पक्का पक्का, कोई प्रॉब्लम। ओके Okay, thank you so much. Thank you, bye.